को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री पुष्पेंद्र सिंह अलाउ नहीं है, आई एम ऑन चेयर, आई विल नॉट अलाउ इट, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, यू कैन नॉट डिक्टेट, रिकॉर्ड नहीं होगा। कटारिया जी, आई विल नेम हिम, कटारिया जी, आई विल नेम हिम, कटारिया जी, मानी पूछेगा, आई विल नेम हिम, कटारिया जी, कटारिया जी, कटारिया जी, आई विल नेम हिम, आई विल नेम हिम, कटारिया जी, आई विल नॉट टॉलरेट इट, कटारिया जी, मानी कटारिया जी, मानी कटारिया जी, आई विल नेम इट, आप आई विल नेम हिम, मिस्टर देवनानी, मिस्टर देवनानी, मिस्टर देवनानी, आई विल नेम, आई विल नेम यू, आई विल आस्क यू टू गो, आई विल नेम यू, यू डोंट डिक्टेट मी, यू कैन डिक्टेट मी, आई बेटर यहां पर, यू कैन डिक्टेट मी, आप जा जा जाइए, आप जा जा जाइए, डोंट डिक्टेट मी, आई एम कटारिया जी, आई विल नॉट अलाउ इट, कटारिया जी, आई विल नॉट अलाउ इट, आई एम लेट, आई विल नॉट टॉलरेट इट, तीसरे काम का मैं बैठा भी नहीं हूँ और आप खड़ा कर डिक्टेट करना चाहते हैं, आई विल नॉट बी डिक्टेटेड, यू डू व्हाट यू लाइक, आई विल नेम यू, प्लीज गो आउटसाइड दी चेंबर, बाहर जाइए, बाहर जाइए, मैं प्रस्ताव रखिए सदन से बाहर निकालने का, मंत्री जी प्रस्ताव रखिए, दो दिन की कार्यवाही के लिए बाहर निकाले, आई विल नॉट टॉलरेट इट, 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 प्रस्ताव रखिए यहाँ पर, प्रस्ताव रखिए यहाँ पर, आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट, I will not tolerate it. I will say I will not tolerate it. Do whatever you like. I will not tolerate it. Manu, Manu, just stop over here. Manu, just stop over here. Upper. I will not tolerate it. I will not tolerate it. Do whatever you like. I will not tolerate it. Just stop over here, Manu, Mantri. May I will not tolerate it. I will not tolerate it. Do whatever you like. I am not going to declare it. I am not going to declare by anybody. Upper, stop over here. Upper, stop over here. Upper, stop over here. कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, नो प्रॉब्लम, यू कैन नॉट, मिस्टर राजेंद्र, यू कैन नॉट डिक्टेट मी, आप सब बाहर निकले, कोई तकलीफ नहीं है, नोबडी कैन डिक्टेट मी, नोबडी कैन डिक्टेट मी, प्लीज आई एम ऑन लेग, आई एम ऑन लेग, आप आई एम ऑन लेग, आई एम ऑन लेग, आई एम ऑन लेग, आई सेड आई एम ऑन लेग, आई एम ऑन लेग, प्लीज मैं आपके बिना, आई विल नेम यू, आई एम ऑन लेग, आई विल नॉट टॉलरेट इट, मैं उस तरह का अध्यक्ष नहीं हूँ, आपका लीडर बैठा हुआ और आदमी सदस्य खड़ा हुआ तो अल्लाह करे और मैं चेयर पे हूँ, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, प्रशिक्षण दे रहे हैं आप, एक सीनियर मेंबर जो है वो एक क्या एग्जांपल सेट करना चाहते हैं, आई विल नॉट टॉलरेट, लास्ट लास्ट में टू टॉलरेट दिस, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय उनका विषय थोड़ा गंभीर था लेकिन आपने इसको सदन में सम्मिलित नहीं किया, वो उनकी पीड़ा थी कि यूनिवर्सिटी और उसके कारण से वो चाहते हैं जी, प्लीज मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पर मैं किसी को डिक्टेट करने की परमिशन नहीं दूंगा, मैं इसके गंभीरता क्या, मैं गंभीरता नहीं समझ रहा हूँ, इसकी गंभीरता स्थगन प्रस्ताव जिसमें दो मिनट बोलेंगे, ये गंभीरता है, यदि इसकी गंभीरता है तो आपको पूरा अधिकार है और तरह से लेकर चपरस में उठा मैं, लेकिन आपने एक के बाद एक सदस्य इस तरह से सीनियर सदस्य यदि अध्यक्ष की अवहेलना करें, मैं टॉयलेट नहीं करूँगा, क्या कम वॉट मे बी, मैं आपको पूरा सम्मान देता हूँ, प्रतिपक्ष को पूरा समय देता हूँ मैं, लेकिन आपके सदस्य आपके कंट्रोल में नहीं है, खुद अपनी लीडरशिप करने के लिए खड़े हो रहे हैं, आपके बैठने के बाद तो सम्मान होना चाहिए, मैं कम से कम सीनियर लीडर से अपेक्षा करूँ, मैं रोज मुझे किसी से सीनियर को टोकना पड़े, ये मेरे लिए अच्छी बात है, मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है कि सदन में प्रतिपक्ष को पूरी जगह मिलनी चाहिए, उनकी बात को आनी चाहिए, मैं कभी इस पर इस तरह का नहीं किया, पर रोज भी कोई एक प्रश्न का उन्हीं ठेका ले रखा कि राष्ट्रभक्त वही है, बाकी कोई सदस्य ही नहीं, ये इस तरह सदन नहीं चलेगा, सदन की गंभीरता के लिए माननीय सदस्य को भी उतना ही गंभीर होना पड़ेगा, अपने दल के नेता के प्रति उतना सम्मान रखना पड़ेगा और अध्यक्ष की चेयर के प्रति उतना सम्मान रखना पड़ेगा, मैं तो खड़ा हुआ था, बैठा भी नहीं, ये कोई परंपरा, मैं अपना रूलिंग दे रहा हूँ, मैं बैठा भी नहीं हूँ, आप खड़े हो गए, वो सीनियर लीडर है, मैं टॉयलेट नहीं करूँगा, आप अन्यथा लें या कुछ भी लें, सदन इस तरह से नहीं चलेगा, सदन पहले भी चले और आज भी चलेंगे, लेकिन सदन में जब तक मैं अध्यक्ष हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगा परंपराओं का निर्माण हो, और मैं आशा करता हूँ, मैं इसलिए गुस्सा हो रहा हूँ कटारिया जी, इसलिए नहीं रहूँ, देवनानी जी सीनियर लीडर हैं, कोई नया सदस्य करता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, कभी मदन जी दिलावर सीनियर सदस्य करें, कभी देवनानी सदस्य करें और आप बैठे रहें, ये तो नहीं हो सकता, मैं कभी भी सीनियर लीडर जो हमारे विपक्ष किया सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये परंपरा स्टार्ट नहीं करूंगा कि प्रतिपक्ष का नेता बैठा रहे और सीनियर लीडर अपोजिशन का खड़ा होकर अध्यक्ष को हेकल करे, मैं ये प्रश्न करना चाहता, मैं प्लीज अलाउ नहीं करूंगा, आई से आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट अलाउ इट, मैं खड़ा हूं तो भी आप गेस्ट दे रहे हैं, मैं खड़ा हूं तो भी आप गेस्ट दे रहे हैं, आप आए पार्लियामेंट में तीसरी बार एमएलए बने, मंत्री रहे, पार्लियामेंट में क्या सिस्टम है, यू कैस दी आई, यू डोंट नो हाउ टू कैस दी आई, आप खड़ा पे इम्पोर्ट करना चाहते हैं अध्यक्ष के ऊपर, आई विल नॉट टॉलरेट,
बहुत कम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट गिव एनी स्पेस व्हिच इज बियॉन्ड माय पार्लियामेंट डेमोक्रेसी देयर इज नो वन लाइक डिप्टी लीडर आई विल ओनली गिव अपॉर्चुनिटी टू लीडर ऑफ द हाउस मालिक अटल जी अध्यक्ष महोदय मैं सोचता हूँ कि आसन को इस बात की पीड़ा हुई कि वो खड़े थे और उनको अपनी बात नहीं कहनी थी वो बैठने के बाद भी अपनी बात को कह सकते थे इसमें कोई दो राय नहीं मैं सोचता हूँ इस घटना के लिए आप उनको दिन भर निकालने का जो प्रस्ताव ला रहे हैं मैं सोचता हूँ ऐसा इतना बड़ा एकदम कोई वातावरण नहीं हो गया अगर आप वातावरण को केवल गर्म ही रखना चाहते तो आपकी इच्छा है लेकिन मैं सोचता हूँ इतना बड़ा नहीं है ये मैं स्वयं ने जब स्वीकार कर लिया कि आप जब तक खड़े थे तब तक उनको ये विषय नहीं उठा था आसन आसन को दबाव में लेना चाहते हैं आप कि अगर आसन इस तरीके से गर्म रखना चाहते हैं क्या अर्थ क्या है फिर आपका ये कहने का क्या अर्थ है ये क्या हो रहा है आसन को दबाव में लेना चाहते हैं अभी मैं बोल रहा हूँ ना आप खड़े ये अच्छी बात है ना ये नियम की पालना है ना मैं तो आसन से कह रहा हूँ उसके बाद भी अगर आप निर्णय लेना चाहते हो तो फिर हम सब लोग बाहर जाएंगे मैं सोचता हूँ इस वातावरण को इतना अधिक मामला नहीं है कि जिसके कारण से आपने इसको इस रूप में लिया है मेरे आसन से आग्रह निवेदन है इस प्रकार के प्रस्ताव के आधार पर के वातावरण को जो एक अच्छे ढंग से सदन चलने का एक प्रोसेस अब की बार शुरू हुआ है मैं सोचता हूँ इसको इन छोटी छोटी बातों पर एहसास हो गया मैंने स्वयं ने मान लिया कि आप खड़े थे तब उन्हें नहीं बोल करके आपके बैठने के बाद अगर वो अपनी मन की कोई बात कहना चाहते तो कह सकते थे निश्चित रूप से इसमें कोई दोहरा नहीं लेकिन मैं इसके लिए इतना बड़ा अगर निर्णय आप लेना चाहेंगे हाउस से आपके पास बहुमत है ले सकते हैं लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार का निर्णय अगर लेना प्रारंभ हो गया तो फिर मैं सोचता हूँ फिर आप और हम दोनों लड़ते लड़ते पूरा समय करेंगे पानी कटारे जी आपने अभी तक खेत प्रकट के संबंध में नहीं बोला है मैं आपसे अपेक्षा करता आप कम से कम ये तो कहते कि बिहेवियर खेदजनक है आपने सेंटेंस भी नहीं कहा आपने ये कहा कि ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे फिर ये मुझे अध्यक्ष पे दबाव है कि यदि मैं इनको निकालूंगा सब निकलेंगे हम कोई तकलीफ नहीं यदि आपका आपका प्रतिपक्ष का यही रुख है तो मुझे उसको कहने कोई तकलीफ नहीं मुझे कोई प्रस्ताव नहीं मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ आप सीनियर आदमी है आपने ये व्यक्त भी नहीं किया है एक शब्द भी व्यक्त नहीं किया कि हमने इसमें ये उनका व्यवहार ठीक नहीं है ये आपने व्यक्त नहीं किया आपने ये कहा कि यदि ऐसा करेंगे तो फिर हम भी ऐसा करेंगे और वातावरण को दूषित करेंगे इसका मतलब जो अध्यक्ष के प्रति आपका जो निर्णय है उस निर्णय में आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप यदि इसको विड्रॉ नहीं किया तो फिर हम ऐसा करेंगे मैं समझता हूँ आप जैसा जो सीनियर संजीत का प्रतिपक्ष नेता उससे मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था कि आप कम से कम इस तरह की बात को करेंगे आपको खड़े होकर ये कहना चाहिए था जो मैं आपसे आशा कर रहा था कि ये खेतपूर्ण व्यवहार है इनका तब तो मैं समझ में आता आप तो मुझे ये कह रहे हैं कि आपने इस तरह की छोटी छोटी घटना में ये निर्णय लिया तो फिर हमें ये करना पड़ेगा मैं समझता हूँ ये संसदीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपन की स्थिति है मेरे प्रस्ताव पर आपका आदेश की प्रतीक्षा है मैं मानी कटारे जी मेरे कहने के बाद खुद अध्यक्ष को भी मानी सदस्य को भी ज्ञान होना चाहिए मुझे क्या करना है मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है कोई एक्सपर्ट सदस्य को भी नहीं बोलना खेत प्रकट नहीं करना मैं सदन से मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसदीय मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है उसके पक्ष में वो आ गए जो पक्ष में वो ना गए जो पक्ष जो प्रस्ताव के पक्ष में वो आ गए जो प्रस्ताव के विपक्ष में ना गए हाँ पक्ष जीता प्रस्ताव पास किया जाता श्री पुष्पेंद्र सिंह श्री नरेंद्र नगर श्री संजय शर्मा श्री राजेंद्र राठौड़ 295 श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल श्री प्रताप सिंह श्री हरेंद्र निमामा श्री धर्मेंद्र कुमार श्री